ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू कोन। तो मैंने यहाँ पे चार फिगर्स बनाए हैं। सो पहला जो फिगर है वो आपको इजीली दिखाई दे रहा है, वो है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल से कोन का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट इसे मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि कोन और ट्रायंगल में फ़र्क क्या है। कभी कभी हम लोग इसे और इसे सेम जैसा समझ जाते, लेकिन ये कोन और ट्रायंगल में दोनों में बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट नेक्स्ट देयर इज़ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके ना। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू लर्न बाई यूजिंग पाइथागोरस थियरम दैट हाउ टू रिमूव द हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर। ये तो आपको अच्छे से पता है, बट ये कोन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है और इसी के थ्रू एक और फॉर्मूला भी बनता है। तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ कि अगर ये साइड अगर आपका ए ले लो, ये वाला साइड बी ले लो और ये वाला साइड सी ले लो, ओके ना। तो बाय द वे वी कैन सी दैट इट इज़ अ 90 डिग्री ट्राइंगल, ओके ना। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको अच्छे से पता था, मैंने बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए रिपीट कर दिया। नाउ सर्कल, तो सर्कल तो काफ़ी ईजी है, आपको एरिया ऑफ अ सर्कल पता है कि पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बारे में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि उसका यहाँ पे यूज नहीं है, ओके ना। अभी बोलोगे सर इसका इसका और कोन से क्या लिंक है, तो सबसे पहले मैं कोन के लिए प्रॉप लेता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या लिंक है। तो ये है हमारा कोन, ओके। कोन के नीचे का जो पोर्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो ओके ये सर्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है। तो फिर अगर कभी बाई चांस अगर किसी ने आपको पूछा कि द बेस ऑफ अ कोन पूछा, तो आप इतना बात अच्छे से याद रखना स्टूडेंट, बेस ऑफ अ कोन और एरिया ऑफ अ सर्कल में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो फिर पहला फॉर्मूला हमारा बनता है, अगर बेस ऑफ कोन कोई पूछता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। ये चीज आपको समझ में आया, इसको मैं फर्स्ट हाईलाइट करता हूं। तो ये आपका है पहला फॉर्मूला। कोन के अंदर हम चार से ज़्यादा फॉर्मूला सीखेंगे, ओके। टोटल आई थिंक 5 फॉर्मूला सीखने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। कभी पहला हुआ है, अभी सेकंड क्या है स्टूडेंट, सेकंड बनाने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे कोन का एक हेल्प लेता हूँ। तो कोन में ना ये देखो आपको ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, तो कोन में दो तरह का लाइन होता है, एक होता है स्लांट हाइट और एक होता है स्ट्रेट हाइट। ये तो मैंने बाहर बनाया स्टूडेंट, ये स्ट्रेट हाइट यहाँ पे नहीं होता, स्ट्रेट हाइट होता कहाँ पे, मतलब ये एकदम समझो यहाँ से कि जो लाइन अगर ऐसा आया तो इतना बड़ा हाइट है, ये कोन का एक हाइट है। अगर एकदम बीच में से एक लाइन लेके मैं पेंसिल से देखो आपको दिखा रहा हूँ, तो इतना बड़ा इसका हाइट है। और ये पहुँचता कहाँ तक है, ये पहुँचता है ये सर्कल के टिप पॉइंट तक। तो यहाँ पे अगर टिप पॉइंट में पहुँचता है तो ये स्लांट हाइट कहाँ पे मिलता है, ये रेडियस से, ओके। तो एक्चुअल में बनता कैसा है ये हमें अभी हम इल्यूशन है, बट हम लोग देखते हैं इसको बनता कैसा है। तो अगर ये कोन का स्ट्रेट हाइट नीचे आता है और सर्कल के सेंटर तक पहुंचता है, और सेंटर का ये चीज़ रेडियस जो होता है ये स्लांट हाइट तक पहुंचता है, तो ये काम करता है हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल का। मैं इसको हाईलाइट करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस सर्कल को मैं एकदम आपको बता देता हूं कि ये है हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल, ओके। तो ये है कोन के अंदर 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो ये बनाता है हमारा सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, जैसे हमने देखा अगर कोई 90 डिग्री ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ना। तो ये हमारा जो सी स्क्वायर है, जो ये सी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये इसको हम नाम क्या देते हैं कोन में, ये होता है स्लांट हाइट, मतलब सोता हुआ, स्लांट हाइट मतलब स्लीपिंग लाइन है। तो स्लांट हाइट स्क्वायर ओके इज इक्वल टू ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये होता है हाइट, तो आप हाइट स्क्वायर प्लस ये जो आपको पता है सेंटर से, मतलब ये सर्कुलर पोर्शन का रेडियस ही है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा ये रेडियस में पहले भी बताया था, ये रेडियस है स्टूडेंट, ओके। तो इज इक्वल टू प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो ये जो हमें मिला ये कब काम आता है स्टूडेंट, ये याद रखो, दिस इज अ सेकेंड थिंग। ये कब काम आता है, जब भी कोई फॉर्मूला में कुछ चीज़ें मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल अगर
एल दिया है, एच दिया है, बट आर को मिसिंग कर दिया, तो आप आर ढूंढ सकते हो, या फिर आर दिया है, एल दिया है, एच को मिसिंग दिया, आप एच ढूंढ सकते हो, या मीन्स तीनों में से कोई एक चीज अगर उन्होंने मिस कर दिया है, तो आप इस फॉर्मूला के मदद से कोई ना कोई एक चीज को आप ढूंढ सकते हो। ओके, तो मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ, ये आपका सेकेंड चीज है। ओके, नाउ थर्ड चीज की तरफ बढ़ते। थर्ड चीज काफी सिंपल है, जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा वॉल्यूम, मीन्स इसमें कोन में ये दो चीज एक्स्ट्रा था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कर्व सरफेस एरिया। ओके ना, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? अभी यहां पे कर्व सरफेस एरिया अगर आपको ढूंढना है, तो पहले इस डायग्राम को देखते स्टूडेंट, मैं इसके मदद से आपको समझाता हूँ। हमेशा दिमाग में याद रखना, कर्व सरफेस है तो क्या नहीं है? ये ढक्कन नहीं है, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ये मिडल हाइट समझो इधर तक पहुंच रहा नहीं है, ठीक है ना? ये मिडल हाइट, ये जो मिडल का हाइट है, ये पहुंच रहा है क्या इधर तक? नहीं। क्यों क्यों नहीं पहुंच रहा? ये सिर्फ ट्रिक है, सिर्फ याद रखो कि हाइट है, बट ये एक ट्रिक है कि ये नहीं है तो ये हाइट यहां तक पहुंच रहा नहीं है। तो क्या क्या है अभी अपने पास? एक तो है स्लांट हाइट, ओके, और हमारे पास सर्कुलर पोर्शन तो हमें दिख रहा है, तो हम रेडियस को एज्यूम करेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या बताएंगे कि पाई आर एल। ओके, क्या फॉर्मूला रहेगा कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर एल। ना याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे हाइट क्यों निकल गया, मैं एक ट्रिक के जरिए बताया। ये ट्रिक हमेशा मतलब एग्जाम के टाइम याद रखना कि कर्व सरफेस मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो हाइट पूछ रहा नहीं है, तो याद रखना। ओके, क्या एक चीज नहीं आएगा? क्योंकि कोन में तीन चीज होता है, एक होता है रेडियस, एक होता है स्लांट हाइट, एक होता है हाइट। तो जब ये सर्कुलर पोर्शन नहीं है तो ये हाइट यहां तक पहुंच रहा नहीं है, इतना याद रखना, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में आपको हेल्पफुल होगा। ओके श्योर, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ओके ना, तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है फॉर्मूला? है टोटल सर्फेस एरिया। अभी टोटल सर्फेस क्या होता है कि अभी ये कौन है, अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये लग जाएगा, बट ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? तो आप सभी को पता है सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके ना, पाई आर स्क्वायर मतलब कर्व सरफेस तो होगा ही, ये कर्व सरफेस तो होगा ही, एक्स्ट्रा में क्या जा रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो आप टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर एल तो रहेगा ही, ओके ना, इसके साथ ऐड क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो पहले इसमें कॉमन देखो, क्या स्टूडेंट? कॉमन पाई आर, पाई आर, ठीक है ना? तो मैं पाई आर डालता हूं यहां पे। ओके, यहाँ पे एक चीज जो बच गया वो एल, ओके ना, एल प्लस है इसलिए प्लस, और यहाँ आर स्क्वायर में से एक आर बाहर चला गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट? एक आर। ओके, तो आपका फाइनल फॉर्मूला टोटल सरफेस का क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? याद रखना स्टूडेंट, ये सब कोन के फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, आपको एग्जाम में लिखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है? पाई आर एल प्लस आर। ओके ना, ये कौन सा नंबर फॉर्मूला था? ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर फॉर्मूला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फिफ्थ नंबर फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या है? आप सभी को पता है फिफ्थ मतलब वॉल्यूम, मतलब इस कोन के अंदर कितना पानी जा सकता है, कितना लिक्विड जा सकता है। अब इसके अंदर कितना लिक्विड जा सकता है उसके लिए हमें देखना है ये कि पाई आर स्क्वायर मतलब ये सर्कुलर पोर्शन कितना बड़ा है। हमेशा याद रखने का स्टूडेंट, सर्कुलर पोर्शन जितना बड़ा, सिलेंडर में भी पढ़ा था, सर्कुलर पोर्शन जितना बड़ा उतना पानी किसी चीज में जा सकता है। तो यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन जितना बड़ा होगा उतना पानी जाएगा, जितना कम होगा उतना कम पानी जाएगा। तो सर्कुलर पोर्शन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो बस यही याद रखने का, सर्कुलर पोर्शन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये याद रखा हमने। ओके, पाई आर स्क्वायर, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। ओके ना स्टूडेंट, अभी फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी है। अभी यहाँ पे एक चीज और, पाई आर स्क्वायर से सिलेंडर में क्या और याद रखा था? याद रखा था कि पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन के साथ उसकी हाइट कितनी है, मतलब कितना डीप है वो। ओके ना, तो मेरे को यहाँ पे हाइट भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो ये एकदम सिलेंडर के जैसे ही हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेंडर का फॉर्मूला और कोन का फॉर्मूला एकदम सेम हो, लेकिन कोन एक त्रिकोण है, ये याद रखना। क्या याद रखना है? कोन इज अ, है ना, कोण त्रिकोण जैसा होता है ना, थ्री याद रखना चाहिए, वर्ड क्या है? थ्री। तो ये कोण जो है ये सिलेंडर से एक तिहाई कम है, मतलब वन थर्ड लेस। तो अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये हो गया पूरा फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है? वन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे भी आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अगर कोन और सिलेंडर में आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोन का ध्यान देना, अगर कोन का हाइट और रेडियस और सिलेंडर का हाइट और रेडियस सेम है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोन का हाइट और रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी हाइट और रेडियस सेम है, तो ऐसा 3 बार कोन का पानी अगर उस सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर भर जाएगा। मतलब कोन सिलेंडर से 3 गुना छोटा होता है अगर हाइट और रेडियस सेम हो तो। ओके स्टूडेंट।